Assalamu alaikum, dear learners. This is Refa Kiran. I welcome you all for the solution of MCQs of chapter number 4. Let's start. Part number 1 is an equation that can be written in the form ax plus b equal to 0, where a is not equal to 0 and a and b are constants and x is a variable is called. This is called linear equation. Linear equation. This is the option A. This is actually the definition of linear equation. आप यहाँ से भी linear equation की definition याद कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है. एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन. ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को ट्रू प्रूव करे तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं. फॉर ईच नंबर एक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज नोटेड बाय सी ऑप्शन एक्स मोड. इसको मॉडुलस वैल्यू भी कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अपनी जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं उसमें मैंने इसके गेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 के भी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू. यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ग्रेटर देन का साइन कौन सा है और लेस देन का साइन कौन सा है, तो इसको आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करना. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप रीड इस तरफ से कर रहे हैं या इस तरफ से कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स ग्रेटर देन बी लिखते हैं तो इसको लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ से पहले ओपन इसका आ रहा है तो जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर ग्रेटर पढ़ना है, तो एक्स ग्रेटर देन बी. अगर बी की तरफ से पढ़ें तो ये आएगा बी लेस देन एक्स, क्योंकि बी की तरफ से ये इसका माउथ क्लोज है तो ये बी लेस देन एक्स होगा. तो ये सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा. पार्ट नंबर 5 द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर लेस देन और इक्वल टू. क्योंकि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप एक तरफ से लीड कर रहे हैं तो सिंबल तो पहले इसका क्लोज साइड आती है तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू. तो जी पार्ट नंबर 6 में आपको एक मॉडुलस वैल्यू का सोल्यूशन पूछा हुआ है. ये जो क्वेश्चन है मोड वाला ये एमसीक्यूज के लिए जैसे और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि इसको सोल्व कैसे करना है. जैसे ही आप मॉडुलस वैल्यू को रिमूव करेंगे इस तरफ आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 या प्लस 5, और एक तरफ लिखेंगे एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5. यहाँ ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 का साइन चेंज होगा, जो इसका साइन है वो वैसे ही रहेगा. इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू 5 वैसे ही रहेगा और माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू आ जाएगा 8. और यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू ये माइनस 5 अपनी जगह पे रहेगा और माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 होगा. और ये ध्यान रखें कि जो आपने साइन जिसकी जगह चेंज करनी है उसको सेकेंड नंबर पर लेके जाएँ, फर्स्ट वाला अपनी जगह पर रखें, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा. तो ये इसके दो आ जाएंगे सोल्यूशन सेट. इसका आंसर बनता है ए पार्ट 8 एंड माइनस 2. सोल्यूशन ऑफ एक्स मोड इक्वल 3. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही ये मोडलेस वैल्यू ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये खत्म होती हैं, मोड वैल्यू खत्म होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म होती है, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस 3. अब इसको फर्दर तो सॉल्व कर नहीं सकते तो इसका आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि बुक में ऐसे लिखा हुआ है. ये एमसीक्यूज में इस तरह भी लिखा हो सकता है 3 और माइनस 3, प्लस 3 और माइनस 3, पेपर में इस तरह से भी आ सकता है. पार्ट नंबर 8 भी वही मॉडुलस वैल्यू का सोल्यूशन है. एक्स माइनस 1 मोड इक्वल टू 4. अगेन ध्यान से करना है इसे, साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू प्लस 4, और दूसरी साइड पे आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4. दोबारा ध्यान में रहे कि सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, इधर वाले का साइन चेंज नहीं होगा. एक्स इक्वल टू 4 और माइनस 1 सेकेंड प्लेस पे आएगा, 4 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 1 एक्स इक्वल टू 5. और इसका इस तरफ करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 4 वैसे ही रहेगा, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 होगा, एक्स इक्वल टू माइनस 3 आएगा. इसका आंसर बनेगा ए इक्वल्स ए ऑप्शन 5 माइनस 3. सो लर्नर्स चैप्टर नंबर 4 के जस्ट 8 ही एम सी क्यूज़ हैं. ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आपने एम सी क्यूज़ में कोशिश करना है कि आपका टोटल स्कोर हो. थैंक यू सो मच.